कि कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं पहले ही काम कर रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो सेकंड डोज का 100% है सबसे पहले ड्यूटी में अचीव किया है। जहां तक ओमिक्रॉन के कुछ केसेस जम्मू में पाए गए हैं तो उसके मद्देनज़र जो है सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको तैयारियां करने के लिए बोला गया है। उसमें जो मैन पावर की ट्रेनिंग का इशू है, उसमें जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं उनका इशू है, और जो हॉस्पिटल में बार्ड्स तैयार करने हैं उनका इशू है, ऑक्सीजन की जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनको उनकी जो प्योरिटी का इशू है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि आज की डेट में हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सभी में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3,250 LPM की ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं वो फंक्शनल हैं। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोविड को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं उनको मैंने बुलाया था, उनके साथ बैठ के जो है हमने एक मंथन किया था और सभी तैयारियों का जायज़ा लिया था। ये सभी जो चीज़ें हैं इन प्लेस हैं, उस पर हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो इसका ओमिक्रॉन को लेके जो अप्रिहेंशंस बनी हुई हैं उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए भी पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एज ए जो फ्रंटलाइन वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट है फुल्ली तैयार हैं और पहले ही बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं ओमिक्रॉन का भी अगर जो हमें चैलेंज आएगा तो उसको भी जैसे पहली दूसरी वेव में हमने टैकल किया है कोविड को, उसी तरह से इसको भी हम टैकल कर लेंगे और लोगों का सहयोग रहेगा, हमें अब तक रहा भी है और आगे भी रहेगा। पर आपने भी देखा होगा कि चूंकि अब कोविड के केसेस कुछ समय से बहुत कम आना शुरू हो गए हैं तो लोगों में थोड़ा सा जो है वो ढील आई है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। उसका एक कारण ये भी समझा जाता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है 18 से ऊपर वो सभी को जो है वो सेकंड डोज लग गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आपने सेकंड डोज ले ली है, फर्स्ट डोज ले ली है, वो अच्छी बात है, वो आपके प्रोटेक्शन में जाती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी जो पुंछ के निवासी हैं, जो पुंछ के दूर दूर तक लोग रहते हैं और शहरों में जो लोग रहते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहने, भीड़ से दूर रहें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही घर से बाहर निकलें। और जो अपने आसपास के लोग हैं उनको भी इस बात पे जो है बाध्य करें कि कोविड अप्रोप्रिएट